महाराज की जय हो। प्यारी साथ संगत, जो भी आंटी ने कहा इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपने दिल में ये विश्वास बना कर जाइए कि गुरु महाराज के बारे में जो कोई चीज़ आप सच्चे दिल से सोच लेंगे, दिल आपका सच्चा होना चाहिए और इरादा पक्का होना चाहिए। रेस्ट ही टेक्स केयर, एक बार नहीं ये मैंने कई बार देखा है। मैं गुरु महाराज के चरणों से 27 मार्च 1999 शाम को 7 बजे के करीब जुड़ा। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा और जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो है जो मेरे साथ हुआ या मेरे सामने हुआ। गुरु महाराज के सत्संग जो आप मेरे से सुनेंगे या पहले भी मैंने किए हैं, ये लाखों की तादाद में है, 1, 2, 10, 20 नहीं। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आते। ये भी मैं संगत के तौर पर आपसे शेयर करूंगा कि ह्यूमन माइंड इज ए डेविलिश थिंग। आप जितना मर्जी इसको काबू करने की कोशिश करो। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, एक कोई मिस्टर शिवानंदा हैं, ये ऋषिकेश में काफ़ी साल रहे हैं, तो ये कहते हैं कि अपने माइंड को आप 5 मिनट के लिए सिर्फ किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, आम आदमी नहीं कर सकेगा। ही सेड द अपर लिमिट इज 2 मिनट्स। मैंने भी ट्राई किया, ये 1 मिनट में 50 जगह घूमता है, आप भी ट्राई कर लेना। लेकिन गुरु महाराज का कुछ ऐसी परंपरा है कि अगर मैं यहां आया हूं, मुझे आंटी एक लेके आई हैं, लेकिन माय फीलिंग इज कि दिस इज एज पर गुरुजी डिजाइन। गुरु महाराज के चरणों से ना तो कोई जुड़ सकता है और ना ही कोई बिछड़ सकता है जब तक गुरु महाराज की आज्ञा ना हो। 27 मार्च 1999 जब पहली बार हम छोटे मंदिर में गए तो देखा काफी एलिटिस्ट ग्रुप बैठा हुआ है, 60-70 लोग थे, ऑल वेरी वेल ड्रेस्ड। उस कोने में मैंने निगाह करके देखा तो एक दो जर्नैल बैठे हुए हैं, उस कोने में देखा तो 2-4 IPS बैठे हुए हैं, और चाय की जो सेवा थी, मैं फर्स्ट डे का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चाय की जो सेवा थी, ये 2 serving joint secretaries IAS officer वो चाय दिखा रहे थे। तो मैंने दिल में सोचा ये भगवान ये कौन सी जगह है, ये तो कोई बड़ा भारी एलिटिस्ट क्लब सा नज़र आता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग लाइन में बैठे हुए, कोई अनाउंसमेंट नहीं। गुरु महाराज आए, हम सब खड़े हो गए, मैं एक कोने में बैठा था, गुरु महाराज ने ऐसे इशारा किया, आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मैंने कहा पता नहीं किसको बुला रहे हैं, टिल समवन एल्बोड मी कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं। मैं आगे आया, जनरल साहब, मैं क्या, हाँ गुरु जी, आप पहली बार आए हो ना, मैं क्या, हाँ गुरु जी, आपको मेरे बारे में किसने बताया है? मैं कि गुरु जी मेरे एक दोस्त हैं जनरल कालों, उनकी वाइफ बड़ी बीमार थी, आपने पान का पत्ता लगा के ग्रेटर कैलाश में उनको ठीक किया। अच्छा अच्छा, वो गिट्टी आंटी, उसको ये तकलीफ थी, ये तकलीफ थी, ये तकलीफ थी, ऑल इन मेडिकल टर्म्स, और वो ठीक है? मैं क्या, हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक है। फिर गुरु जी कहने लगे कि अगर आपको मेरे बारे में पता था, आपको मेरे बारे में कब से पता है? तो वी आर टॉकिंग 27 मार्च 1999। मैं, गुरु जी मुझे आप के बारे में 91-92 के आसपास पता लगा। अच्छा, अगर आपको इतनी देर से पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए? नो, आई वॉज क्वाइट। गुरु महाराज हंस पड़े, कहने लगे नहीं,
आप पहले नहीं आ सकते थे, आपका टाइम अब हुआ है। लेकिन जनरल साहब अगर गलती नाल भी आ जाते ना तो बड़ा फायदा उठा लेंगे। नो डैट वॉज द फर्स्ट डे आई इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, मैं गुरु जी हूँ आ गया ना, हूँ फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं, हूँ पूरा फायदा उठा लाँगा। एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस हैज कम ट्रू। इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस शेप, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। ऐसे टाइम गुजरता गया। फौज के बहुत लोग आते थे, हमारी फौज की एक बड़ी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है फील्ड मार्शल मानेकशॉ, वो भी महाराज के आगे। मुझे कैसे पता लगा, एक दिन मैं छुट्टी लेने लगा तो गुरु महाराज कहने लगे जा रहे हो? मैं क्या, हाँ गुरु जी। ऐसे के इशारा करके कहते हैं ऐसे कि इनको जानते हो? मैंने देखा कॉर्नर में फाइव ब्यूटीफुल ग्रेशियस ओल्ड लेडी वर सिटिंग ऑल अबाउट 75। मैंने देखा अब क्या कहूँ। मैं क्या गुरु, ओहो जनरल साहब तुसी कैसे फौजी मिसेज मानेकशॉ को नहीं पहचानते? तो मैंने फिर उनको नमस्कार किया, मैं मानेकशॉ जनरल फील्ड मार्शल के घर भी गया हूँ। तो मैंने बड़ा हैरान हुआ कि मिसेज मानेकशॉ यहाँ आती हैं, बिकॉज फील्ड मार्शल वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन, आई हैव नोन हिम इन द आर्मी अलॉन्ग वे। मैं अगले दिन आया तो एक जोशी अंकल हैं, वो रोज आया करते थे गुरु जी के, कर्नल जोशी हैं ये। मैंने उसे बुलाया, मैं जो कम है, मैंने कहा यार कल मिशन मानेकशॉ आ रखी आई हूँ जी, कभी फील्ड मार्शल भी आए? कहते सर कई बार आया है। तो मैंने कहा कैसे? कहते वो आते थे सीधा गुरु जी से मिलते थे, उसके बाद चले गए। तो हमें ये अजीब लगा कि फौज के इतने लोग आते हैं। फिर ये अजीब लगता था कि आप आज देख रहे हो ये चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर, इंदर गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूरी चौटाला फैमिली, पूरी अब्दुल्ला फैमिली, पूरी ये मुफ्ती फैमिली, ये जो आजकल जे एंड के में है, ये आठ आठ छः छः लोग इकट्ठे बैठे होते थे। हम मजाक करते थे अपनी वाइफ से कई बार कि आज तो सारे मुसलमान जहाँ रखे। गुरु महाराज का ऐसा दरबार था कि जिसमें हिंदू सिख ऊंचा नीचा का कोई असाब किताब नहीं था, और बड़ा लाइटर टाइप का एटमॉस्फेयर होता था। एक दिन हम बैठे हुए, एक कपल आया, आके बैठ गया। गुरु महाराज ने उसको बुलाया कि ना तेरा, वो कहने लगा गुरु जी नसीर अहमद। अच्छा 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 अच्छा, उसके साथ लेडी थी, ये तीसरी बीवी है ना? हम सब हैरान चुप। वो मैं के कह रहे हैं तीसरी बीवी है ना? हाँ गुरु जी। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा लाना है? कह रहा हाँ गुरु जी। ब्लेस कर देंगे पहली बीवी ना ला, तो अजीब चीज है। एंड दिस मैन केम विद द फर्स्ट बीवी एंड इवेंचुअली गॉड ब्लेस्ड विद हिज सन। तो ये गुरु महाराज की बड़ी अजीबोगरीब दुनिया होती थी, और इसका वर्णन एक फिक्रे में है कि तेरा अंत किसे नहीं पाया। गुरु महाराज वॉज एक्चुअली ए फिनोमेना। फिनोमेना आप महसूस कर सकते हो एक मिनट में, दो मिनट में। एक्सप्लेन करने के लिए आपको बुक्स चाहिए, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। दूसरा ये था कि गुरु महाराज ने अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा था कि मैं भगवान हूं, मैं पावरफुल हूं। काफी देर तक हम जब शुरू शुरू में जाते थे, माइंड में ये क्वेश्चन जरूर उठता था, मैं संगत के तौर पर आपसे शेयर कर रहा हूं कि यार ये मामला क्या है, ये क्या चीज है, क्या इनके पास कुछ सिद्धि है? इस तरीके के सवाल आते थे। एक दिन मैं अच्छे बैठा हुआ तो गुरु महाराज कहने लगे जनरल साहब। मैं कहा हाँ गुरु जी। एक सरदार जी बैठे हुए थे, ए साढ़े प्रोफेसर होंगे सन। मैंने उनको नमस्कार किया। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद के बाद छोटे मंदिर में निकले,
इनका नाम है प्रोफेसर अमरीक सिंह पटियाला में। मैं कहा सर ये गुरुजी आपके स्टूडेंट से कहना जी स्टूडेंट से कहने जी गुरुजी डबल एमए हैं एमए इकोनॉमिक्स एंड एमए इंग्लिश और हमें इंग्लिश का थोड़ा सा झटका लगता था कि अगर आप गुरु महाराज के पास कई फॉर्मर आते थे अगर आप गुरु महाराज को बिहाइंड द कर्टन अंग्रेजी बोलते सुन लो तो आपको लगेगा ये कोई अंग्रेजी अंग्रेजी बोल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ये डबल एम ए है कहने लगा हाँ जी। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आपको कैसे पता लगा कि ये भगवान है शक्तिमान है। कहने लगा जी ये अजीब सा स्टूडेंट होता था। मैंने कहा वो तो ठीक है सर लेकिन क्या मतलब अजीब का स्टूडेंट। कहने लगा जी कभी एक मिनट में क्लास में बैठा हुआ है एक मिनट में नहीं बैठा हुआ इधर आवाज लगाओ तो आ जाता था फिर से गायब हो जाता था। नो आई थॉट इन माय ओन माइंड कि यार क्लास में इतने बच्चे होते हैं कहाँ पता लगता है प्रोफेसर को कौन आया कौन नहीं। मैं कह सर कोई खास गल। कहना हाँ एक गल ज्यादा उन्होंने दो तीन बातें बताई आई एम शेयरिंग वन विद यू। मैं कह सर क्या गल। कहते जी एक दिन एग्जाम हो रहा सी और दिसंबर के जो क्वार्टरली टेस्ट होंगे तो दो मुंडे पकड़ के नकल मार दे उन्हें चु एक गुरु जी सन। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मैं क्या अच्छा किस तरह सर। कहने नकल मार रहे थे मैं भी उधर था इन दोनों को प्रिंसिपल के पास ले गया मैं भी सॉल्व। मैं कह जी फिर तो प्रिंसिपल ने कहा नकल क्यों मार रहे थे तुम। तो दूसरा लड़का कहने लगा नहीं जी हम नकल नहीं मार रहे थे मेरे पेन की स्याही खत्म हो गई तो मैंने अपना पेन इसको दिया कि यार इसमें स्याही डाल दे। तो प्रिंसिपल कहने लगा अच्छा तू स्याही पान का एक्सपर्ट है। गुरु महाराज चुप रहे। प्रिंसिपल ने अपने ड्रॉर से एक पेन निकाला अच्छा तू स्याही पान का एक्सपर्ट है ना एल आई सी स्याही पा दे। वो पेन दिया गुरु महाराज ने उसको फूंक मारी वापस कर दिया पेन और प्रिंसिपल ने कागज लिया उस पेन ने लिखना शुरू कर दिया। अब प्रिंसिपल थोड़ा सा हैरान हुआ कहता मैं वहीं था। प्रिंसिपल ने फिर अलमारी खोली और एक नया पेन निकाला उस पेन को ऐसे ऐसे किया कागज पे ऐसे ऐसे किया अच्छा तू एक्सपर्ट है ना तो ऐसे भी पा दे। गुरु महाराज ने उसको फूंक मारी वापस किया उसने लिखना शुरू कर दिया। तो अब प्रिंसिपल कहने लगा कि भाई ये कोई खास ही बंदा है ही केम फ्रॉम बिहाइंड दिस टेबल एंड टच्ड हिज फीट। तो उस दिन से हमें महसूस हुआ कि ये कोई खास ही चीज़ है लेकिन भगवान है या नहीं ये हमें कभी महसूस नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से बात चलती रही। टाइम गुजरता गया कुछ देर के बाद मेरे मन में ये पूर्ण विश्वास हो गया कि इनके पास क्या है या क्या नहीं है। बड़े सत्संग हैं आई वॉन्ट शेयर एवरीथिंग इन दैट डिटेल बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। तो एक दिन मैं ऐसे गुरु महाराज को दोबारा था एक जेंटलमैन केम फ्रॉम द छोटे मंदिर में मुझे कहने लगे जनरल साहब इना की जानते हो। मैंने उसकी तरफ देखा तब तक वो आगे उन्होंने गुरु महाराज के चरणों को हाथ लगाया बैठ के। मैंने कहा गुरु कहने इना जानते हो। मैं गुरु जी मैं इनको पर्सनली तो नहीं जानता लेकिन ये मिस्टर पॉल हैं और ये एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। मैं कह गुरु जी इस बंदे की रेपुटेशन बड़ी अच्छी है और ये शायद अगला कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाएगा। गुरु जी ने सुन लिया चुप हो गए। पांच एक मिनट के बाद मुझे कहते हैं ये बड़ा चंगा आदमी है एक कमिश्नर भी बनेगा और गवर्नर भी बनेगा। तो अब कमिश्नर तक तो आई कुड अब्सॉर्ब गवर्नर इज अ टॉल ऑर्डर। हफ्ते दस दिन के बाद मिस्टर पॉल केम इन संगत एंड सैट नेक्स्ट टू मी ऐसे नजदीक बैठे। मैंने उसके कंधे पे हाथ मारा। मैं कह पॉल साहब मुबारक हो। कहना जन साहब क्या हो गया। मैं कह यार उससे ना पाए थे तो गुरु महाराज ने कहा कि आप कमिश्नर भी बनोगे और गवर्नर भी बनोगे। बड़ा अच्छा। कहना अभी जो कमिश्नर बनने के लाले पड़े हुए हैं वही ऑर्डर नहीं हुए गवर्नर तो टॉल ऑर्डर है। मैंने कहा यार गुरु जी ने कहा है
जिस दिन पाल साहब कभी गवर्नर बन जाओ ना, और बनोगे जरूर, तो मुझे एक लड्डू भेज देना। कहना नहीं सर एक लड्डू क्यों, डब्बा भेजूंगा। मैं कह नहीं डब्बे की जरूरत नहीं, एक लड्डू आएगा ना तो उससे गुरु महाराज की याद ताज़ा हो जाएगी, बात खत्म हो गई। गुरु महाराज ने मां समाधि ले ली। एक दो जगह पाल साहब हमें मिले, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, हंस पड़ा। कहना ये सरकार चेंज हो गई है, कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। एक दिन शाम को मेरी लैंडलाइन की घंटी बजी, मैंने उठाया फ़ोन, मैंने कहा यस। कहना जनू साहब पहचाना नहीं, मैंने कहा माफ़ करना नहीं पहचाना। अच्छा ये बताओ कि लड्डू कहाँ भेजूँ, आपके घर भेजूँ या मैं यहाँ रह रहा हूँ राष्ट्रपति भवन में यहाँ लड्डू खाने आओगे, या जहाँ मैं गवर्नर बन के जा रहा हूँ वहाँ खाने आओगे। मैं कहा पाल साहब लड्डू का डब्बा मत भेजना, एक लड्डू खाएंगे, और जहाँ आप गवर्नर बन के जा रहे हो वहाँ संगत के साथ आएंगे। लॉन्ग स्टोरी, एक दिन वो आ गया जबकि पाल साहब ने एक गैदरिंग में एक डब्बा मंगवाया, एक लड्डू हमने खाया, उनकी फैमिली के साथ शेयर किया। तो अब जस्ट इमेजिन, आई स्टिल डोंट नो व्हाई गुरुजी टोल्ड मी दिस एंड व्हाई आई शेयर्ड दिस विद हिम, बट नॉनदलेस एवरी वर्ड ऑफ व्हाट गुरु महाराज से इज ए राइटिंग ऑन द वॉल, प्रोबेबली इट दिस वॉज ए मैसेज ऑफ दैट काइंड। हमें काफ़ी, जैसे मैंने कहा, विश्वास हो गया कि ये लॉर्ड शिवा हैं, तीनों लोगों के नाथ हैं, हर चीज़ जानते हैं। एक दिन मैंने अखबार में देखा, लेफ्ट साइड में हिंदुस्तान टाइम में था, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह टू बी गवर्नर ऑफ असम। मैंने फौज में जनरल अजय के साथ असम में काम किया हुआ है। मैन असम वॉज अ वेरी डिस्टर्ब्ड एरिया। आई पिक्ड अप माय फोन, आई रैंग अप अजय। आई से सर अगर गवर्नर जाना ही था तो पागल हो गए हो, असम में जा रहे हो। मैंने कहा जब हम असम में थे ना तो हमारे पास पूरी फौज की बैकिंग थी, तुम वहाँ गवर्नर बन के जा रहे हो, दोबारा सोच लो, कहीं जाना है और चले जाओ। कहना नहीं चंद्र अब तो मैंने कह दिया है, तो अब तो मैं जाऊँगा वहाँ। मैंने कहा अच्छा ऐसे करो कब जा रहे हो, कहते हैं तीन दिन बाद। मैंने कहा एक काम कर, कहना बोलो। मैंने कहा यार एक हमारे गुरु जी हैं उनकी ब्लेसिंग लेते जाओ। कहना हाँ ठीक है। मैं गुरु महाराज के आया शाम को छुट्टी लेते हुए, मैंने कहा गुरु जी मेरे एक बड़े दोस्त हैं जनरल अजय सिंह, वो असम के गवर्नर जा रहे हैं, असम इज ए वेरी डिस्टर्ब्ड एरिया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको जाने से पहले ब्लेस कर दो। गुरु महाराज ने ध्यान ही नहीं दिया, एज इफ ही इज नॉट हर्ट। मैंने हाथ जोड़े, छुट्टी ली, जो ही मैं सीढ़ियों तक पहुंचा, गुरु महाराज ने आवाज़ दी, जनरल साहब। मैं कहा हाँ गुरु जी, आप परसों शाम को 7 बजे अजय नू ले आना। मैं वापस किया, मैं गुरु जी परसों तो संगत का दिन नहीं है। कहना मैं क्या ना ले आना 7 बजे। ठीक है, मैंने अजय को रिंग किया, हम पहुंचे, गुरु महाराज आए, कोई 15-20 लोग थे। इतनी देर में एक सरदार जी आए, उन्होंने जनरल अजय को बड़ी वार्मली सत श्री अकाल की, जनरल साहब की हाल जी, सत श्री अकाल जी। वो तो जनरल अजय गेव ए वेरी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स, हाँ ठीक हूँ जी। तो ये सरदार जी कहने लगे कि जनरल साहब आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। तो अजय चुप हो गया, कहने लगा सर एक बारी तुसी गुरदासपुर आए सो अपनी फैमिली नाल, तुसी बीमार सो एंड यू हैड लंच एट आवर हाउस। तो अजय कह लो ओहो अच्छा वो सरदार जी, जब आप कहले जो मेरे फादर हैं। गुरु महाराज चुपकार चाप ये बात सुनते रहे। मैं भी हैरान, मैं अजय के साथ बैठा हुआ था, क्या हाल है जी ये वो। तब तक सरदार जी नमस्कार करके चले गए। गुरु जी जनरल अजय को कहते हैं जनरल साहब जो इन्हें सरदार जी ने किया है तो हम याद आ गए। हम सब हैरान कि क्या बात कर रहे। जनरल जी कहने हाँ गुरु जी याद आ गया, कुछ उम्र भी याद आया जे। तो जनरल जी कहने लगे हाँ गुरु जी सब याद आ गया। वही सारा याद आ गया,
जनरल जी कहना हाँ गुरु जी सारा याद आ गया, हम हैरान कि ये बात क्या कर रहे हैं। अगर याद आ गया तो दसो जना। देन जनरल जी सेड कि जनरल अजय वॉज वेरी सिक इन दिल्ली इन बत्रा हॉस्पिटल, ही वॉज अनकॉन्शियस, ही वॉज मूव्ड ऑन ए स्ट्रेचर टू जलंधर विद हिज वाइफ एंड ब्रदर इन लॉ एंड वेंट टू दिस गुरुजी। गुरुजी ने इसके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा जनरल साहब खड़े हो जाओ, तुम ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। एंड दिस हैपेंड 8 years 6 months and 4 days बैक। हम सब हैरान। तो गुरु महाराज ऐसी दुनिया की कनेक्टिविटी दिखाते हैं जिसका ह्यूमन माइंड में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बड़े छोटे छोटे फिक्रे बोलते थे कि जब दरबार के अंदर आओ ना, अपना इफ बट लॉजिक सोच विचार जूतों के साथ छोड़कर आया करो। एंड इट इज इफेक्ट कि गुरु महाराज की दुनिया वहां शुरू होती है जहां हम लोगों की दुनिया खत्म होती है। एक दिन मैं ऐसी छुट्टी लेने लगा तो कहने लगे ऐसे इशारा करके, इनको जानते हो? मैंने देखा उधर डॉक्टर नरेश त्रिहान बैठे हुए थे। मैं गुरु जी इनको कौन नहीं जानता, ये तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैं गुरु जी मैंने स्टेंट डलवाना था, ये एस्कॉर्ट में थे और एक हफ्ते की वेटिंग थी। कहने अच्छा ये बहुत बड़े डॉक्टर? मैं क्या हाँ गुरु जी। डॉक्टर त्रिहान को कहने लगे संगत के जनरल कपूर हैं, उन्होंने नमस्कार किया, मैंने नमस्कार किया, चला गया। जब मैं जो मैं बाहर निकला मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी वाइफ को कहा कि प्यारी अगर मेडिकल साइंस कुछ चीज़ कर सकती तो डॉक्टर नरेश त्रिहान सूट पहने टाई लगाए हाथ में लोटा लिए अपनी वाइफ के साथ गुरु महाराज के साथ जमीन पर ना बैठे होते। लास्ट सत्संग, लास्ट टू सत्संग, आई हैव सम टाइम, लास्ट टू। एक दिन मैं गुरु महाराज को दोबारा था, एक अंकल आए। गुरु महाराज ने कहा अंकल आपकी क्या सेवा की जाए? ये अंकल कहने लगे गुरु जी मेरी वाइफ बड़ी बीमार रहती है, मैंने बड़ा इलाज कराया ठीक नहीं हुई। गुरु जी हंस पड़े, आप क्या काम करते हो? कहने लगे मैं डॉक्टर। कहाँ पर डॉक्टर हो? कहने लगे बत्रा हॉस्पिटल में। देन गुरु जी सर आपको फलाने 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 गुरु जी नेम 6 doctors from 6-7 doctors हम बत्रा हॉस्पिटल, आपको मेरे बारे में इनमें से किसने बताया? तो मैं दबाते वो ध्यान उधर होता है, मैं बड़ा हैरान कि गुरु महाराज को बत्रा हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों के नाम ही पता है। ये कहना नहीं गुरु जी इनमें से मुझे किसी ने नहीं बताया, एक डॉक्टर शर्मा है एम्स में, वो मेरा बैचमेट है, उसने मुझे। तो देन गुरु जी कहा हाँ कल शर्मा आया सी उसके नाल वो एम्स का फलाना 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 फलाना, अगेन 4-6 doctors का और नाम ले लिए। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे है कि गुरु महाराज को सारी बत्रा हॉस्पिटल की लिस्ट पता है, डॉक्टरों की, एम्स की पता है, ये कैसे? उसको कहते हैं अंकल आप डॉक्टर हो ना, आपकी वाइफ बीमार है, आपके बैचमेट एम्स में है, तो ये क्या अस्पताल है? उसको ले जाओ किसी अच्छी जगह, उसका इलाज कराओ, जाओ उधर बैठकर ध्यान लगाओ। अब दिस वॉज वेरी अनयूजुअल। मैं बड़ा हैरान कि गुरु महाराज ने, फिर आस्था से मुझे कहते हैं जनरल साहब तुम्हारे से फौज भी बड़े डॉक्टर आते। मैं क्या हाँ गुरु जी मैं देखना शाम को आर आर हॉस्पिटल डॉक्टरों की वाकई लाइन लगी होती है। फौज में एक बड़ा डॉक्टर होता है डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज, हु इज द हेड ऑफ ऑल द मेडिकल सर्विसेज, वो भी लाइन में वहाँ खड़ा होता था। कमांडेंट आर, वो भी लाइन में खड़ा होता था। डिप्टी कमांडेंट, वो भी खड़ा होता था। हम देख के हैरान होते थे कि सारे डॉक्टर यहाँ आते हैं, बट मैटर ऑफ फेथ। फिर कहने लगे आपको अंदाजा है मैंने कितने लोगों का इलाज किया होगा? मैं गुरु महाराज मुझे पता तो नहीं, पर आपने लाखों लोगों का आकर। देन गुरु महाराज सेड मैंने कम से कम 1 crore से ज्यादा लोगों को ठीक किया है। मैं कहा गुरु जी ये जो अंकल आए थे इनको भी पता है ये अस्पताल नहीं है,
और ये सारी जगह पता करके यहाँ आए हॉस्पिटल। अंकल को बुलाओ, बुलाया आगे। अंकल को कहने लगे आप परसों आना, अगर आपकी वाइफ आ सके तो उसको ले आना, अगर ना आ सके तो एक लोटा ले आना। फिर गुरु महाराज बोले नो दिस इज वर्दी ऑफ नोटिंग, जनू साहब इतने बड़े लोग आंदे, किसी नू जॉब चाहिए, किसी नू बिजनेस चाहिए, किसी नू प्रमोशन चाहिए, किसी की बीमारी, किसी का औलाद, सारे मंगते हैं। लेकिन असली चीज को मांगन कोई नहीं आता। गुरु जी इज ग्रेट, ना मुझे अकल आई ना मेरे में हिम्मत हुई कि आदमी पूछ लेता कि गुरु महाराज असली चीज क्या है, कैसे मांगी जाती। मैंने इतना जरूर कहा, मैंने कहा गुरु महाराज ये अंकल जो इतनी दूर से आए हैं इनको ब्लेस कर देना, ताकि इस तरीके से ये आपकी परंपरा चलती रहे। बात खत्म हो गई। लास्ट वन, एक दिन रात के कोई एक दो बजे बड़े मंदिर में 15-20 लोग बैठे हुए, गुरु महाराज लेटे हुए थे, कुछ अंकल आंटी उनको डुबा रहे थे। गुरु जी बैठ के, मैं दीवार के साथ बैठा रहा, इशारा करके मुझे बुलाया, मैं नजदीक आ गया। मुझे कहने लगे जनो साहब तुहान कोई रिलीजन के बारे में पता है? मैंने कहा ये भगवान रात के 1:30 बजे गुरु महाराज ने ये। मैं क्या गुरु जी, मैं सारी जिंदगी फौज में रहा हूँ, मुझे रिलीजन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। क्या फिर भी कुछ तो पता होगा? मैं गुरु जी, मैं कुछ साल पहले आसाम में था, मेरा एक कमांडर क्रिश्चियन था, एक सिख था, मैं हिंदू था, और मेरा जो स्टाफ ऑफिसर था गुरु जी वो आसाम का एक मुसलमान ऑफिसर था, हम सारे एक टेबल पे खाना खाते थे। तो गुरु जी फौज में कोई ऐसा, ओहो खाना तो खाते थे लेकिन कुछ पढ़ा लिखा है? लॉन्ग सत्संग है, आई मेक इट शॉर्ट। मैं कह नहीं गुरु। इतनी देर में गुरु महाराज बैठ गए और अपने सिंहासन के ऊपर बैठ गए। हम 15-20-25 लोग थे, बड़े हैरान हुए। गुरु महाराज जन क्लोज हिज आईज एंड फॉर नेक्स्ट 10 to 12 minutes ही कोटेड समथिंग फ्रॉम कुरान, समथिंग फ्रॉम बाइबल, समथिंग फ्रॉम ग्रंथ साहब एंड समथिंग फ्रॉम भगवद गीता, नॉट द मीनिंग, एग्जैक्ट टेक्स्ट। हम सब सुन के हैरान हो गए कि जो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। 10-12 मिनट बाद गुरु महाराज ने अपने आँख खोली, मेरी तरफ देखा, कुछ समझ आई? तब तक मुझे तो पसीना आ गया था, मैंने हाथ जोड़े, नहीं महाराज कुछ समझ नहीं आया। हंस पड़े, ओहो कुछ ज्यादा समझने की गल ही नहीं, मैं एक ही है, ऑल रिलीजन आर वन, ऑल गॉड्स आर वन, जिस किसी में भी विश्वास करते हो उसका ध्यान करो। फिर मैं एक ही है, गुरु महाराज बोल रहे थे कि जहां की जिस किसी की जितनी मदद कर सकते हो करो, लेकिन अगर मदद नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, किसी का नुकसान मत करो। फिर मैं एक ही है, इस दुनियावी भाग दौड़ से कुछ टाइम निकालो, चाहे आप अल्लाह में विश्वास करते हो, क्राइस्ट में करते हो, नानक में करते हो, शिव शंकर में करते हो, कुछ टाइम 10-15 मिनट आधा घंटा उसकी आराधना की तरफ लगाओ। ये तो समझ आया ना? मैं कह गुरु जी ये तो बिल्कुल समझ आ गया, अगर ये समझ आया तो जाओ छुट्टी कर। तो मैं आपसे इन नक्शल ये शेयर करना चाहता हूं, हमें समझ नहीं थी ये तीनों लोगों के नाथ हैं, बड़े सत्संग, आई कैन गो ऑन टिल टुमारो मॉर्निंग। ये बाय एंड लार्ज इनका एम्फेसिस था टू पुट ऑल ऑफ अस ऑन स्पिरिचुअल पाथ। जब बड़े छोटे मंदिर में 200 लोग होते थे तो गुरु महाराज कहते थे नई संगत को लाओ। हम हैरान होते थे कि यार पुरानी संगत के बैठने की तो जगह नहीं, गुरु महाराज कहते हैं नई संगत को लाओ।
वो सब का पर्पस ये था टू पुट अस ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ. इट वॉज नॉट इजी थिंग बिकॉज ह्यूमन नेचर इज हाईली मटीरियलिस्टिक. मेरी आपसे ये बेनती है कि आप कर्म योग से इनके चरणों के साथ जुड़े हुए हो और जो कुछ होता है इनकी मर्जी और इजाजत से होता है. इनके चरणों से जुड़े रहिए, मांगिए कम, लेकिन कई बार मजबूरी होती है. अगर गुरु से नहीं मांगोगे किससे मांगोगे? मांगिए कम बिकॉज यू माइट अंडर एस्टिमेट द थिंग्स. मानिए ज्यादा और जितने लोगों को ये रास्ता दिखा सकते हो दिखाइए. आप अंदाजा लगाइए कि 99 में हैड वी एवर थॉट कि न्यू जर्सी में सत्संग होगा. और जब मैं पहली बार इनके घर आया सत्संग में, मटकन अंकल थे, साधु अंकल थे और कई लोग थे जिन्होंने गुरु महाराज से मेरे से ज्यादा कनेक्टिविटी है. और उस जमाने में ये न्यू जर्सी का मंदिर था ही नहीं. जब मैंने पहली बार न्यू जर्सी का मंदिर विजिट किया तो बसरा अंकल कहने लगे जी यहाँ मंदिर बना रहे हैं. मैंने उसे मजाक से कहा, मैंने कहा बसरा अंकल ये राइट वाला पोर्शन खाली रखना, जगह कम पड़ जाएगी. उस वक्त संगत में 40-50 लोग होते थे. आज सुबह वहाँ कम से कम नॉर्मल सत्संग में 250 लोग थे. तो ये क्या है? गुरु महाराज का सत्संग जगह जगह हो रहा है. पिछले सैटरडे न्यू जर्सी में एक दिन, सैटरडे वाले दिन, दो घरों में सत्संग था. गुड़गांव में एक दिन के अंदर 8-10 जगह सत्संग होता है. तो प्यारी साथ संगत, अगर हम लोगों को उनके चरणों से कुछ मिलता नहीं तो ह्यूमन नेचर इज सच कि हम मीलों मील दिन रात एक करके उनके चरणों से कैसे जुड़ते हैं. गुरु महाराज के फिजिकल वर्ड्स से मुझे एक दिन किसी कनेक्शन में कहने लगे, दिल्ली बड़ी पापियां की जगह है, इतने कोई महापुरुष नहीं रहता, मैं भी चला जाऊंगा. जनरल साहब मेरे जान तो बाद लाइना लग जानी, मेरे दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन जो कोई मेरे साय से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा. ये साय का कनेक्शन है कि अभी सत्संग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, लंदन, यू नेम द प्लेस, और वहां गुरु महाराज का सत्संग हो रहा है. और ये और ज्यादा बढ़ेगा नॉट बिकॉज ऑफ यू एंड मी बट बिकॉज ऑफ हिज बिनाइन काइंडनेस एंड बिकॉज ऑफ हिज बिनाइन ग्रेस. तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितने लोगों को ये रास्ता दिखा सकते हो दिखाइए. इस रास्ते पर चलकर वन वे ट्रैफिक है, आपने कुछ ना कुछ लेना ही है. गुरु महाराज को हम कुछ दे नहीं सकते एक्सेप्ट उनके आगे सरेंडर कीजिए और उनका शुक्राना कीजिए. जय गुरु, जय गुरु जी.